फैनी तूफान शुक्रवार को पुरी तट से टकरा गया है। पुरी में 245 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और बारिश हो रही है। इससे पहले भुवनेश्वर, गजपति, केंद्रपारा और जगतपुर इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान समंदर में काफी ऊंची लहरें उठने लगी। तूफान के कारण ओडिशा के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, वहीं संचार सेवा भी ठप हो गई है। ओडिशा के मुख्य सचिव आदित्य प्रसाद भुवनेश्वर में बैठक कर रहे हैं। पुरी में तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। इधर इस तरह से अब तक कुल लोगों की मौत हो चुकी है। इधर ममता बनर्जी ने 48 घंटे के लिए अपना चुनाव प्रचार रद्द कर दिया है और वे तूफान पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही हैं। तूफान से लड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सभी तैयारियां कर ली गई हैं। समुद्री किनारों से लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेनी की चपेट में 10,000 गांव और 52 शहर आने की आशंका है। गृह मंत्रालय ने बताया कि लगभग 11 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। तूफान के खतरे को देखते हुए नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही ओडिशा में पुलिस कर्मियों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। राज्य के पुलिस प्रमुख आरपी शर्मा ने बताया कि पुलिस कर्मियों की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो पुलिस कर्मी छुट्टी पर हैं, उन्हें तत्काल ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों में आज से गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले 48 घंटे के लिए अपनी चुनावी जनसभाओं को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, कोलकाता एयरपोर्ट पर आज रात 9:30 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।